करेगी। प्रवचन 8 की जगह 9 बजे शुरू हो रही है। स्वीकृत करूं परिहार क्या, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय जो कि कॉल टू सर्वभावांतर योर फोन, मेरा फोन मैं चालतू बस। मेरे को पर्ची कोई आज तक भगवान नहीं बन पाया है। हमारे पास आज का लेक्चर है और हमारे पास कल दोपहर का लेक्चर है। दीज आर द लास्ट टू लेक्चर नाउ दैट वी हैव। So today, we are going to talk about that fact of the world, जिसको समझकर instant शांति भी आती है और जिसको समझ जाए अगर हम पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलो कर लें तो हर पल बेफिक्र होने की गारंटी भी हो जाती है। Now what is that? ये जो हमारा एग्जिस्टेंस है ना, एक स्पेस में है और एक टाइम में है। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने उपयोग को सूक्ष्म करके सुनेंगे, सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल बिट मोर, यू एग्जिस्ट राइट। ये वर्ड ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एग्जिस्टेड इन स्पेस, विच मीन्स say he was 50 kg, maybe he was like 5'2", as far as the height is concerned. He looked a certain manner. So if I were to ask you to mark the dimensions of where all does he exist, in how much area, volume, form, we can see him existing in space. You exist in space? Can you mark out where exactly do you exist in space right now here? Exactly. Do you exist in India right now? Do you exist in school right now? When you're in school, do you exist at home right at that point in time? So, ek to space mein ho gaya hamara existence. You all with me on this? Anybody denies this? Abhi question puch. Ek certain space mein mera existence hota hai. Kya aap isko deny karte hain? Alok ji. Can you be in multiple universes at the same time? फिजिकली आजकल मल्टीवर्स की बहुत बातें चल रही है। फिजिकली कैन यू एग्जिस्ट एट वेरियस लोकेशन एट द सेम टाइम? यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। तो एक डायमेंशन पता चल गया मुझे अपना, कौन सा? जो स्पेस में है, राइट? एक काम किया जा सकता है क्या? You know, I don't like it that my eyes are here. ये आंखों को यदि दो है ना मेरे पास, एक पीछे लगा दिया जाए और एक आगे लगा लिया जाए, life would be so easy, isn't it? खास तौर पर जो soldiers होते हैं, जो warriors होते हैं, उनकी तो चांदी हो जाएगी क्योंकि उनके ऊपर हमला हमेशा पीछे से होता है। कभी मन में ऐसा विचार आया? नहीं आया। आया? नहीं आया। You never wanted to change anything. Brain yahan par hai, ghutno mein aa jaye to? Huh? Nahi, we don't want to change anything in space. Our existence in space. We also exist in time. Mere do dimensions hain, ek space mein aur ek time mein. तो महात्मा गांधी की यदि मैं बात कर रही हूँ, गाइस, उस महात्मा गांधी, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? यस। अब मुझे आपके यहाँ के मार्टिन लूथर किंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है, सो आई विल टॉक अबाउट महात्मा गांधी, ओके? इन केस दैट्स व्हाट इफ यू नो मोर अबाउट। सो
महात्मा गांधी के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं कि उनका अस्तित्व कैसा था, किस रूप में था, तो आप सिर्फ स्पेस में डिफाइन करेंगे कि टाइम में भी डिफाइन करेंगे। जो ऑबिचुरीज आती है ना, यहाँ की तो मुझे नहीं पता, इंडिया में न्यूज़पेपर में जो आती है वहां पे डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ डैश ईयर ऑफ डेथ लिखा जाता है। उनकी एग्जिस्टेंस दिखाई जाती है फोटो में टू शो देयर एग्जिस्टेंस हाउ दे लुक्ड, और उनकी एग्जिस्टेंस बताई जाती है टाइम में। अब वो जो टाइम में एग्जिस्टेंस थी महात्मा गांधी की, आई डोंट नो अबाउट योर लाइफ सो मच, सो वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी। टाइम में जो उनकी एग्जिस्टेंस थी, उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया। ही हैड टू स्पेंड द होल नाइट ऑन द स्टेशन। उनने सत्याग्रह किया, बैरिस्टर थे इंडिया में, लाइक लॉट ऑफ सीक्वेंसिंग इन हिज लाइफ, इजंट इट, बहुत सारी घटनाएं घटी, वो सब मिलकर महात्मा गांधी बनते हैं कि यू स्लाइस एनी वन टाइम इन हिज लाइफ एंड से दिस वाज महात्मा। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? महात्मा गांधी इज नॉट दैट महात्मा गांधी जिसको सिर्फ धक्का दिया गया था एंड स्टोरी इज ओवर। महात्मा गांधी वाज नॉट दैट महात्मा गांधी जिनको आपने बूढ़े रूप से देखा था एंड द स्टोरी इज ओवर। महात्मा गांधी's existence was an aggregation of his entire lifespan, the way he lived. वो महाभारत आता था, एक बहुत पुराने जमाने वाला, तो मैं भी शायद 5-6 साल 7-8 साल टाइप की होंगी मैक्स आई गेस। उसमें मुझे एक ही चीज याद है सिर्फ, जब वो स्टार्ट होता था तो बोलता था मैं समय हूं। द टाइम इज टेलिंग द स्टोरी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल था कि दुर्योधन से पांडव जीत जाते जुए में? दे वर गैम्बलिंग, पांडव लॉस्ट एंड द एंटायर फिएस्को हैपेंड आफ्टर दैट, जस्ट फॉर एफआईआई फॉर दोज हु डोंट नो। हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी थी? आपको ऐसा लग रहा है एक 1% भी पॉसिबिलिटी ऐसी थी क्या कि पांडव जुए में जीत जाते हैं? क्यों क्यों नहीं थी ये पॉसिबिलिटी? हु न्यू कि डाइस कैसे रोल होगा? हु न्यू? क्या पता वो नहीं लगाते द्रौपदी को दांव पर? हाँ, नहीं लगाते पूरे किंगडम को दांव पर? पॉसिबिलिटीज कैन बी इनफाइनाइट। लेकिन हुआ क्या? क्या वो बदला जा सकता है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। Would it be otherwise? महात्मा गांधी के मन में जो विचार आए, जो इंसल्ट हुई, जो घटनाएं घटी, जो उनने सोचा, जो उनने किया, इस सब में से कुछ भी है क्या जो बदल सकता है? हाँ, आपके मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आते हैं सबको बदलने के? क्या पुरुषार्थहीन हो? आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो? क्यों? क्योंकि महाभारत में जो हुआ, दैट इज नॉट वन घटना, इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ सो मेनी लाइव्स लिव्ड इन अ सर्टेन फैशन, थॉट सेपरेटली, बट दे ऑल लेड टू अ सर्टेन इंसिडेंस एंड इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द इंसिडेंसेस। अब मैं एक और बात करती हूँ आपसे, अपनी जो जो उम्र है ना, कुछ तो याद होएगा अपने पास्ट टेंस का आप लोगों को सबको। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे? इन व्हाट एवर फैशन यू डिड, डोंट थिंक अबाउट इट सो हार्ड। कुड यू हैव चेंज्ड इट? व्हाई डोंट यू प्लान टुडे, मैं अपनी लास्ट ईयर की बर्थडे चेंज कर दूं पार्टी? नहीं, आई थिंक दैट वाजंट अ ग्रेट आइडिया व्हाट वी डिड। मुझे बदलना है, मुझे अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन बदलना है। आई वांट टू चेंज द फ्रेंड्स हु विजिटेड मी, आई वांट टू चेंज द मेन्यू, आई वांट टू चेंज द वेन्यू, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे कभी विचार आया तुम्हारे मन में? क्यों नहीं आता है अनवय? व्हाई नॉट? पॉसिबल नहीं है, यू एक्सेप्ट इट। इवन इफ द पास्ट वॉज नॉट गुड इनफ, यू स्टिल एक्सेप्ट इट, राइट? सो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? नथिंग।
आपके ज्ञान में अगर वो गे बन के कभी आ जाता है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गे, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. यदि मेरे ज्ञान में मेरी लास्ट बर्थडे एक गे की तरह आ जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, जान लेता हूं और एक्सेप्ट कर लेता हूं, दैट वॉज माई ट्रुथ ऑफ यस्टरडे. व्हाट हैपेंड हैपेंड, नोबडी कैन चेंज, द एंटायर यूनिवर्स कैन नॉट चेंज इट. जैसे महात्मा गांधी जब 6 साल के थे, ही कुडंट चेंज हिज गोइंग टू साउथ अफ्रीका, इवन इफ ही न्यू. He would not have been able to change everything that unfolded in his life, even if he knew. आपके पास में ऐसा कोई इंसिडेंस है जहां पे किसी को कुछ पता हो और फिर भी वैसा का वैसा ही हो जाए? ला सकते हैं हम ऐसा कोई उदाहरण ढूंढ कर कहीं से? मैं शास्त्रों का ला के देती हूँ आपको उदाहरण, बहुत ऑथेंटिक. भगवान देवीनाथ की सभा में, उनकी दिव्य ध्वनि में, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो आए थे वो द्वारिका के थे. द्वारिका वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, उस जमाने का यूएसए था, मोस्ट एडवांस नगरी, वेरी वेरी प्रॉस्पेरस, द प्रॉपर्टी रेट्स वर गोइंग थ्रू द रूफ, ऑब्वियसली दे वुड, इजंट इट. क्या हुआ था उनकी वाणी में, ये आ गया. नाउ लुक एट द थिंग्स, आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस. पता है कि नहीं पता है ये मुझे बता दो, बिकॉज देन आई नो हाउ मच आई हैव टू एक्सपैंड और नॉट. कितने लोगों को पता है इस पूरी घटना के बारे में? बस एक सेकेंड, लेट मी डू अ चेक. कितने लोगों को नहीं पता है ये? अब 4 ही लोग हाथ ऊपर करेंगे तो बाकी के लोग पता नहीं होने पताएंगे. कितने लोगों को नहीं पता है? नो? अरे यार मेरी फिल्म खिंच जाएगी आज की फिल्म, सॉरी. कितने बज रहे हैं? 9:05. पहले तो लेट शुरू किया है और अब उसके बाद में मुझे ये भी एलाबरेट करना पड़ रहा है. नॉट माई फॉल्ट, यू आर डेस्टिन्ड टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग ओनली एट दिस पॉइंट इन टाइम. हाँ, हुआ ये था. यू नो व्हाट इज अ दिव्य ध्वनि, यू नो व्हाट इज अ समक्षरण. भगवान की जो प्रवचन की सभा होती है उसे कहते हैं समक्षरण. उसमें जो भगवान की वाणी छिपती है उसको कहते हैं दिव्य ध्वनि. दिव्य ध्वनि कैन बी द मोस्ट ऑथेंटिक वाणी, क्योंकि कोई कहता नहीं है, एज पर देयर ज्ञान वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है उस वचन में. उस सभा में बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, नॉट एवरीबॉडी, अ लॉट ऑफ देम. और जस्ट इमेजिन कि द्वारिका के लोग ऐसे ही भरी सभा में वहां पे समोशरण में बैठे हो और भगवान की वाणी में ऐसी बात आई कि तुम्हारी स्थिति द्वारिका आज से 12 साल बाद धू धू कर ऐसी जल जाएगी कि पूरी नगरी में एक्सेप्ट फॉर कृष्ण एंड बलराम सब लोग चल के मर जाएंगे. नॉट इवन अ सिंगल लिविंग सोल विल सर्वाइव. पॉइंट नंबर 1, ये होगा. ये जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे द्वीपायन, हाँ, ही वाज सिटिंग राइट देयर, दीक्षा नहीं ली थी तब तक उनने. ये द्वीपायन जो है इसके निमित्त से जलेगी और शराब के निमित्त से जलेगी. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यहां पे अभी अनाउंस हो गया होता कि ठीक आज से 12 साल बाद न्यू जर्सी टोटल चलकर धू धू हो जाएगी, नो बडी विल एवर सर्वाइव. और निमित्त कौन बनेगा? आई डेयर नॉट टेक एनी बडीज नेम हियर. मिस्टर एक्स. और निमित्त बनेगी शराब. नाउ इफ यू वर द किंग, व्हाट वुड यू डू? अरे आपको तो वेदर फोरकास्ट मिल जाता है कि एक स्टॉर्म और टेम्पेस्ट आने वाला है, तो वो कहां चले जाते हो? बंकर में. वहां पे तो वेदर फोरकास्ट गाइस का तो फिर भी जो फोरकास्ट होता है वो 100% राइट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन दिव्य ध्वनि फोरकास्ट
इसमें क्या गलत होने की गुंजाइश हो सकती है? लेकिन ओके लेट मी गो टू लेकिन लेटर ऑन. आप लोग क्या करते? लेट मी हियर दैट. आपके तो न्यू जर्सी सिटी में दो दो हाउस हो गए हैं. एक और प्रॉपर्टी लेने वाले थे हम तो. स्कूल है हमारा, हमारा बिजनेस है, हमारा क्लिनिक है, मेरा ऑफिस है. वी वर हियर फॉर गुड. इतनी डेवलप सिटी में कोई आके रहता होगा तो छोड़ के जाने के लिए रहता होगा. एंड ऑल रिच पीपल स्टेड देयर, ऑल रिच पीपल, फिल्थी रिच पीपल, नोबडी वाज पुअर. आप लोग क्या करते हैं? आई जस्ट वांट टू नो, आई एम रियली क्यूरियस. क्यों? क्योंकि आपने पहली बार सुना है ना ये. आई एम मोर क्यूरियस. थोड़ा लाउडली बोलो, मेरे कान में इतना सब लगा रखा है सुनाई नहीं देता. हाँ, शिफ्ट हो जाते, सच बताओ, हो जाते क्या? कब होते? लाइक 11.5 years लेटर. हाँ, जैसे ही पता चला वैसे हो जाते, तो कर लो शिफ्ट. हाँ जी, अमेजिंग. व्हाट्स योर नेम? संजय जी ने जैसे कि बोला, वहां के लोगों ने बिल्कुल यही सोचा कि मिस्टर एक्स को पकड़ो पहले, तो सबसे पहले ही इज द गाय, राइट. अरे भागना पड़ा द्विपायन को, और भागकर उन्हें इच्छा धारण कर ली, बिकॉज ही फेल्ट बैड. मेरी वजह से इतनी बड़ी नगरी जल जाएगी, इतने लोग, इतने सारे लोग मर जाएंगे. आपको कोई कह देता कि आपके कारण से होगा, आप क्या? अरे लोग आपको मारेंगे वो अलग बात है. You would have felt bad, isn't it? I don't want to be the reason. No, no ways. उनने ये डिसाइड किया कि मैं मुनि दीक्षा धारण करता हूं और मैं यहां से इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि मेरा जब यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं होगा. ना बजेगा बांस, नहीं ना बजेगा, हाँ ना होगा बांस, और ना बजेगी बांसुरी. तो वो जो एक्स था बांस की रहन अबे, वैसे भी वो यहाँ रहता तो उसको लोग मार डालते अभी. अब वो गया. इफ यू वर द किंग, व्हाट वुड हैव यू डन द नेक्स्ट थिंग? पूरे द्वारिका नगरी से शराब यानी लिकर वॉज बैंड. लाइक इट वॉज क्रिमिनल टू हैव एनी लिकर. तो इतनी सारी जो पड़ी हुई थी शराब, उसका क्या किया जाएगा? हाँ, क्या करेंगे? कि इट वॉज अ काइंड ऑफ एन आईलैंड विच ओपन अप इन टू अ फॉरेस्ट एरिया काइंड ऑफ अ प्लेस लैंड के ऊपर. तो उन लोगों ने जब सारी शराब को फिकवाया, तो वो जंगल में जाके सब प्लेस डिस्पोज करने के लिए फिकवा दिया, और जहां फिकवाया वो सारी इकट्ठी हो गई एक गड्ढे की तरह. और शराब तो शराब है, जितनी पुरानी होती है ऐसा हमने सुना है. इतना ही पता है मुझको, ज्यादा ज्ञान नहीं रखती हूँ. बट द शराब वॉज आउट ऑफ द सिटी टोटली. एवरीबडी बिकेम अ टीटोटलर, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? अब फर्दर मोर, द किंग, यू नो कौन था किंग वहां का, द्वारिका नगरी का? द मोस्ट एफिशिएंट किंग, जो तीन खंड का राजा था. ही वाज नॉट अ स्मॉल किंग. हां, सिर्फ ये आर्य खंड का नहीं, दो मलेच्छ खंड को भी ऐड कर लो, तीन खंड का राजा, अर्धचक्री सम्राट स्वयं श्री कृष्ण. ही वॉज द किंग ऑफ द्वारिका नगरी, विच वॉज हिज कैपिटल, जहां पे उनकी पूरा राजमहल था, जहां पे उनकी सारी 16,000 वाइव्स, 16,000 ही थी ना, हैं? सारी 16,000 पत्नियां वहां पर रहती थी, उनके पेरेंट्स वहां पर रहते थे, उनके रिलेटिव्स वहां पर रहते थे. कैपिटल में तो रहेंगे ही ना सब, ऑब्वियसली. अब आप दो चीजों को देखो, ट्रिकी है. द किंग कैन नॉट फ्लाई अवे, क्योंकि जो कैप्टन होता है ना शिप का, इट हैज टू स्टिक विद द शिप, यू नो दैट. और वो कैप्टन ऐसा करेगा कि मैं अपनी पत्नी को भेज दूं, उनको सेव कर दूं, माँ बाप को भेज दूं, ऐसा नहीं हो सकता. एज अ किंग, यू नो, यू हैव टू शो फेथ इन योर ओन डिसीजंस.
वो वहां पर रहे, बट ही सेड डोंट यू वरी, मैं चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हूँ। सौरभ भाई आपको पता है ये बात? नो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, टुडे इज द पॉइंट, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, द्वारिका नगरी विल चेंज योर लाइफ। उनने बोला आई एम द मोस्ट हाई टेक गाय, इतने विद्याधर ये वो, आई नो एवरीबॉडी, डोंट यू वरी, चारों तरफ से मैं समुद्र से घिरा हुआ हूँ, आई एम एन आइलैंड सिटी। अगर आग लग भी जाएगी तो अपन तो चारों तरफ ऐसी व्यवस्था करो कि समुंदर से पानी पुल होएगा ऑटोमेटिकली, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ही आग लगेगी सेंसर्स काम करेंगे और सारे समुंदर का पानी पुल करके ऑटोमेटिकली सारी मशीन उस आग को बुझा देगी। एंड आई हैव ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड, राइट, समुंदर है यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक, द्वारिका बच गई? और भी कुछ लोग थे, गुड बिजनेसमैन, दे ओनली थिंक बिजनेस, आई डोंट नो इफ दे आर गुड बिजनेसमैन, whether they are a good soul, they are good for themselves. आप जब दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार कर लेते हो ना, आप अपने जीवन में हार जाते हो, सच बता रही हूँ मैं आपको, ये बात, व्यापारी बनना है ना, हिसाब लगाना है, तो पहले अस्तित्व का, अपने सुख दुख का, अपने पुण्य पाप का इसका लगा लेना, अपनी शांति का लगा लेना। मेरे पास वो घंटा आज नहीं था, वरना मैं ये विषय लेती कि whatever you want to sell, you sell in life, but buy peace if you can. जीतता कौन है? जो शांति खरीदता है। जीतता वो नहीं है जो पैसे खरीद लेता है, जो सुविधाएं खरीद लेता है। इसके ऊपर मेरे पास एक और बहुत बढ़िया मूवी है, इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी है, बट आई कांट टेक यू। सो कमिंग बैक टू, अब क्या किया जाए? जो बिजनेसमैन थे वहां पर, उन्होंने पता है क्या सोचा? दिस सम स्टूपिड पीपल हु आर फ्लाइंग अवे, डर गए हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी प्राइसेस डाउन हुई है अनाउंसमेंट की वजह से, द टाइम इज गुड, अभी तक तो मैं एंटर कर नहीं पा रहा था, लेट मी एक्सपैंड, वुडंट यू हैव डन दैट संजय जी? हाँ, बिकॉज द्वीपायन इज ऑफ, लिकर इज यू नो डिस्कार्डेड, एंड आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इनफ सिस्टम्स टू सेफगार्ड इफ माई किंग इज नॉट फ्ली, ही इज देयर विद हिज एंटायर फैमिली, तो जो लोग भागते हैं उनको भाग जाते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट। जिन लोगों का संसार समुद्र का किनारा पास आ गया था, भगवान की वाणी में ये सुनकर के मैं जहां रहता हूं, मैं अपने आप को जाने क्या समझता हूँ, सब राख होने वाला है। कितने ही लोगों ने मुनि दीक्षा धारण कर ली वही भगवान के समोशरण में, क्योंकि जिनकी मौत नहीं आई थी उनके दिमाग में ऐसा चला कि देखो संसार असार है, जब द्वारिका जैसी नगरी को कोई नहीं बचा सकता है, भगवान ने बता दिया है वो नष्ट हो जाएगी, तो फिर अब संसार में क्या बचा है? Where are we safe? Nowhere. Cannot be. कुछ लोगों ने सोचा कि बोरिया बिस्तर लेके हो गया न्यू जर्सी, बेच दो अपनी प्रॉपर्टी, बेच दो अपना धंधा, बिजनेस, व्हाटएवर, निकल गए वहां से। जो निकल गए वो बच गए। हुआ क्या एक्चुअली में स्टोरी, पता है आपको क्या हुआ? नाउ दीपायन सी, एक तो 12 इयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, इजंट इट? कई लोगों ने टाइम भी किया था बाय द वे, हाँ, कि मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, 11 साल 12 महीने और 29 डे में वहां से निकल दूंगा। Some oversmart people, वो लास्ट तक भी चूस लेना चाहते हैं, फुल फायदा उठा के फिर निकल जाना चाहते हैं। All kind of people, you can just imagine the scenario. हुआ ये कि जब 12 साल हुए तब तक सारी दुनिया भूल चुकी थी कि भगवान की वाणी में क्या आया था। Nobody remembered what happened. As such, द्वीपायन मुनि को याद था, of course याद रहेगा, isn't it? Because he was Mr. X. How can he forget such a big thing? He had to flee. His life changed. And he never wanted to be the cause. द्वीपायन मुनि had been calculating. Now a sadhu, a muni, वो जंगल में रहते हैं, उनके पास में newspapers और calendars उस टाइप के नहीं होते हैं। He was calculating 12 years. और 12 years में जो leap year होते हैं,
उसके डेज को वो काउंट करना भूल गए. Something has to happen for something to happen, isn't it? There has to be a cause. There has to be a logic. There has to be a purushart. There has to be a right sequencing of the things for you to end up whatever is going to happen in the same scenario. क्या गड़बड़ करी समझ में आया? लीप ईयर में क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ दोस फ्यू एक्स्ट्रा डेज, ही वाज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देम. अब वो वहां पे खड़े खड़े सोचते हैं कि 12 साल तो हो गए और अभी तक कोई खबर ही नहीं आई द्वारिका के जलने की. एंड ही वाज सो क्यूरियस, ही वांटेड टू गो एंड सी द्वारिका, ही वांटेड टू नो वहां पे क्या हुआ है, कैसा हुआ है, क्योंकि उनका मन ये भी मानने को तैयार नहीं था कि भगवान की वाणी गलत कैसे हो सकती है. लेकिन उनको ये भी दिख रहा था कि जब 12 साल हो गए तो नाउ आई एम इन द सेम जोन, इजंट इट, अब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या आएगा. तो ही बिगन हिज जर्नी टुवर्ड्स द्वारिका. अब स्टोरी में ये आता है कि कुछ राजकुमार टाइप हंटिंग करने के लिए जंगल में गए हुए थे और उनको बहुत प्यास लगी. तो जब उन्हें बहुत प्यास लगी तो वो जो शराब इकट्ठी हो गई थी ना, डू यू रिमेम्बर, वहां पे जंगल में, और वो पॉन्ड जैसा बन गया था, तो उनको बहुत तेज प्यास लगी और जाकर उन्होंने वो पॉन्ड का पानी पी लिया. पॉन्ड का पानी पियोगे तो क्या होगा बताओ? इसमें शराब भरी हुई हो, पहले तो वो आउट हो गए. ठीक है, फिर आउट होने में आपको बड़े मजे आ रहे हैं, इन होने में किसी को मजा नहीं आता. एनीवेज, अब वो आउट हो गए तो वो फिर लौटने लगे जब अपने द्वारिका नगरी की तरफ, तभी दरवाजे के बाहर ऐसे द्वीपायन मुनि भी आ रहे थे देखने के लिए कि द्वारिका का क्या होता है, और ऐसे वो राजकुमार भी आ रहे थे क्योंकि they were done with whatever they had to do, their hunting, and they wanted to return home. अब जब वो वहां उस पॉइंट पे पहुंचे तो उनने अचानक द्वीपायन मुनि को देखा और उनमें से एक राजकुमार बोला, ये ही है वो आदमी, इसकी वजह से द्वारिका जलने वाली है, पत्थर मारो इसको, पिटाई करो इसकी. हंटिंग करने के लिए निकले थे, खून का जोश तो वैसे ही तेवर बहुत हाई होंगे, ऊपर से शराब और पी रखी है जिस आदमी ने, तो आप सोच सकते हो they'll do anything. क्या हुआ? दीपायन मुनि का निमित्त बनना था, दीपायन मुनि was there. शराब का निमित्त बनना था, शराबी का निमित्त बनना था, शराबी were also there. Knowingly, unknowingly, तुम चाहोगे तो भी तुम्हें नहीं पता चलेगा और ना चाहोगे तो भी तुम्हें नहीं पता चलेगा. वेरी वेल, इनने लेकर उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए, पिटाई करनी शुरू कर दी. और द्वीपायन मुनि डिड नॉट नो, पर ही वाज अ मुनि. अब एक नग्न दिगंबर मुनि, व्हाट डू यू थिंक कैन डू द हार्म, लाइक हाँ क्या कर सकता है एक नगर को जलाने के लिए? ही डिड नो, पर उनको एक रिद्धि प्राप्त हो गई थी जिसका नाम था तेजस रिद्धि. जब तेजस रिद्धि होती है तो वो दो दो टाइप की होती है, एक शुभ और एक अशुभ. जिन मुनियों को रिद्धि मीन्स सम स्पेशल स्पेशल सुपर पावर्स, जो उनको मेडिटेशन की वजह से, तपस्या की वजह से प्राप्त हो गए थे. अगर कोई ऐसा साधु हो जिसको तेजस रिद्धि की प्राप्ति हो और उसे यदि कहीं पे समझो सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, और वो देखकर दया आ जाए, तो एक ऐसा शुभ पुतला निकलता है जो जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाता है, एंड थिंग्स गेट फाइन. तेजस रिद्धि में ही एक ऐसा एस्पेक्ट ऑफ फीचर भी है कि जिसको तेजस रिद्धि हो इसी उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है तो उसके बॉडी में से एक ऐसा पुतला निकलता है जो जाकर जिसके प्रति गुस्सा आया है उस पूरे एरिए को भस्म कर देता है. और फिर वो पुतला उसको भस्म करने के बाद, यू नो व्हाट इज भस्म, बर्न्स इट डाउन टोटली इनटू एशेस. उसको टोटली भस्म करके फिर वो पुतला आकर उस व्यक्ति को भी नष्ट कर देता है. इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉम्ब. और जो व्यक्ति के ये अशुभ तेजस रिद्धि के द्वारा
ऐसा विनाश होता है वो नियम से नरक भी जाता है, ऐसा सुना है। उसमें दो टाइप के एस्पेक्ट्स आते हैं, प्रोबेबली यस प्रोबेबली नॉट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट। द्वारिका जल्दी द्वारिका जल्दी कहां है? द्वारिका जल्दी तो वो सिस्टम का क्या हुआ? हां, इट डिडंट वर्क लाइक द माइक एट द लास्ट मोमेंट। हां, वो सिस्टम का क्या हुआ? द सिस्टम वर्क्ड, द सिस्टम वाज वेरी वेल मेंटेन, इट वर्क्ड, पर दो प्रॉब्लम्स हो गए। पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि वो जो पूरा एरिया है द्वारिका के आसपास का, जहां से पानी में से वो पानी ड्रॉ किया गया था, आज की तारीख में भी उस लोकेशन पे आप जाओ जहां पे द्वारिका नीचे जा चुकी है और पानी है, वहां पे वो क्या होते हैं, वहां पे तेल निकलता है पानी में से, क्या बोलते हैं वो, ऑयल के वो होते हैं जो पानी ऑयल पानी में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दोस ह्यूज प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज। आज की डेट में भी उस जगह पर ऑयल रिफाइनरीज बनी, क्योंकि समुन्द्र के उस पानी में एक्चुअली में ऑयल था, और जो पानी उनने लिया एक्चुअली में आग में उतना सारा ऑयल डाल तेल डाल दिया, तो क्या होएगा आपका, मरता हुआ और जलता हुआ और सुपर जल गया। कुछ लोग बाहर की तरफ आ गए थे और उन लोगों ने सोचा कि ये पॉन्ड का पानी ले लेके डाल देते हैं, पर शराब इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट्स इनफ्लेमेबल, तो जो कुछ भी बचा था वो भी नष्ट हो गया। खुद कृष्ण की, श्री कृष्ण की माँ, उनके पिताजी, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, कोई नहीं बचा, एवरीबडी वॉज डेड। और श्री कृष्ण और बलराम वहां से निकल तो गए, उसके बाद की स्टोरी खैर आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो दैट्स नॉट व्हाट आई एम हियर टू डिस्कस राइट। बाय द वे अच्छा बता देती हूँ, श्री कृष्ण की मौत थोड़े टाइम बाद होनी थी, इसलिए जब वो जंगल में पहुंचे एंड ही वाज लाइक ड्राई एंड हाई, क्योंकि इतने अग्नि में से भाग कर इतनी मुश्किल से कोई निकलेगा, प्यास तो लगेगी ना बहुत तेज हाथ दौड़ के इतनी मेहनत करके, एज सच ही वॉज इनविंसिबल, कोई उनको मार नहीं सकता था, लेकिन उनके पाँव के अंगूठे में एक उनका वीक स्पॉट था समझो, और वो वीक स्पॉट जो था वो चमक रहा था हिरण की आंख की तरह, इट वॉज अ चिन्ह दैट ही हैड इन हिज ऑन हिज टोज फीट के वहां पर, ही वॉज सो टायर्ड, तो उनका येलो कलर का वो दुपट्टा टाइप समथिंग होता है ना जो वो पहनते हैं एक वस्त्र टाइप, तो ही कुडंट वॉक एनी फर्दर, तो उनने अपने भाई से बोला पानी पानी पानी, ही सेड यू रेस्ट हियर अंडर द ट्री, आप थोड़ा आराम करो मैं पानी लेकर आता हूँ। तो जब वो लेटे हुए थे तो वो ओढ़ने के वस्त्र को जो आप पहनते हो उसको यदि आप ओढ़ोगे, टॉल पीपल तो पैर बाहर निकलेंगे ना, तो उनका टोज वो खुले हुए थे, और क्योंकि अब पैर ऐसा था, फीट ऐसी होती है पर ऐसी थी, तो वो एरिया खुला हुआ था, और दूर से उनका ही वो जो अगेन स्टोरी आती है कौन था, हु नेवर वॉन्टेड टू किल हिम, हाँ जगत कुमार, नहीं कुछ और नाम था, जरत कुमार, ठीक है, एज दे आर सेम, तो जरत कुमार वहां ही वाज हंटिंग, उनको लगा कि ये डियर की आंख है, और उनने वो एरो जैसे ही किया तो इमीडिएटली ही डाइड, जब वो मरे प्यासे मरे, हाँ, तीन खंड का चक्रवर्ती सम्राट जिसका वीक पॉइंट था पांव में, जो हमेशा ऐसे रहते हैं, कोई वहां पे कभी कर ही नहीं सकता है हमला, isn't it? युद्ध भूमि में भी, he was invincible. पर जो जब वो मरा, he had lost his entire family, his capital, his city, his respect. और मरते वक्त वो भाई भी उसके साथ में नहीं था, और प्यासा, without anyone, not even a single soul to cry beside him, at that point in time, he died. Anyways, वो तो अलग aspect हुआ, main aspect क्या है यहाँ? भगवान की वाणी में ये आ गया था कि द्वारिका जलने वाली है।
आपको अगर पता भी चल जाता है कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो भी आप अपनी नियति से नहीं भाग सकते हो। मिस्टर एक्स को पकड़ने से क्या हो जाएगा? हमारा दिमाग ये जाता है कि मैं निमित्तों को मिटा दूंगा, मैं शराब मिटा दूंगा, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा और ये द्वीपायन को भगा दूंगा, तो शायद वो द्वारिका का जलना टल जाएगा। लेकिन जो होने वाला होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है, वो होता ही है और अपने टाइम पर होता है, ना एक मिनट पहले होता है ना एक मिनट बाद होता है, एग्जैक्टली बैंग बॉन्ड होता है। तो हमारा जो डायमेंशन है वो सिर्फ स्पेस में नहीं है, वो टाइम में भी है। और टाइम में हमारा डायमेंशन जिस तरीके से है, उसमें किस समय मेरे मन में कैसा भाव आएगा, किस समय की पर्याय में मैं क्या सोचूंगा, किस समय की पर्याय में मैं किसको जानूंगा। अभी मैंने आपको देखा ना, आपको देखा, फिर आपको देखा, फिर आपको देखा। अनंत केवल ज्ञानियों ने अनंत काल से ये जान रखा था, एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट दिस इज द वे आई एम गोइंग टू लुक एट सो मेनी पीपल इन दिस फैशन, फिर मेरी नजर यहां से यहां आएगी, वहां जाएगी, वहां सब कुछ। आप केवली भगवान से पूछते हैं, यदि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 50,000 साल पहले, कि यहां पे कौन वक्त आएगा प्रज्वलित, बताओ। आप बोलते सवाल ही नहीं उठता है, वी विल नॉट कॉल हर, बोलो हाँ, नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। You can't help certain things नहीं, you can't help anything। देखो हर जीव यूनिक है, हर पुद्गल का परमाणु यूनिक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग यूनिकनेस इन व्हाट फॉर्म, वैसे तो वी आर ऑल कॉमन, इजंट इट, वी आर द सेम, इजंट इट, मुझ में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, मेरा भी स्वभाव केवल ज्ञान रूप है, आपका भी स्वभाव केवल ज्ञान रूप है, वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स, कीप दैट कॉमन थिंग्स असाइड। मेरा डायमेंशन इन स्पेस यूनिक है कि नहीं है? कैन वी एवर मर्ज, ये भी नक्की था। ओके, कैन वी एवर मर्ज, कैन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस, बेचारा, कैन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस एवर एवर मर्ज, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, विद एनीबॉडी। ये इस बच्ची को उस बच्ची की गोदी में बिठा के रखो 20 साल, तो तुम दोनों एक हो जाओगे ना जुड़कर, नहीं होता है ऐसा। ये दोनों उंगलियों को ऐसे रखो पूरे टाइम, तो ये मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, नहीं होती हैं। जब फिजिकल एग्जिस्टेंस मेरा यूनिक होता है हमेशा, इजंट इट, ऐसा ही मेरा टाइम में एग्जिस्टेंस भी हमेशा यूनिक होता है, विच मीन्स दैट योर लाइफ साइकिल एंड माय लाइफ साइकिल एंड जुड़वा भाइयों की लाइफ साइकिल एंड निगोदिया में एक शरीर में रहने वाले अनंत जीवों की लाइफ साइकिल, इट कैन नॉट बी द सेम। आर यू विद मी ऑन दिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरी सिंगल परमाणु, नॉट ओनली द सोल, उसका जो तीन काल का एग्जिस्टेंस है, उसमें किस समय क्या होना है, कैसे होना है, कब होगा, क्यों होगा, देयर इज नो क्यू टू इट, जब होगा जैसा होगा एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में, आज की डेट में मेरे इस फिजिकल एग्जिस्टेंस में मेरा तीन काल का अस्तित्व समा चुका है, नथिंग कैन चेंज। सी, भगवान की बात हम बार बार इसलिए करते हैं, केवल ज्ञानी की बात इसलिए बार बार करते हैं, बिकॉज ही नोज इट, He doesn't do anything। भगवान मेरा थोड़ा सा जल्दी मोक्ष जान लो, हाँ मेरे पे बहुत कृपा होगी, मैं एडिशनल करने के लिए तैयार हूं, आप बोलो क्या करना है, एक और मूर्ति स्थापित करवा दूं आपकी,
सिर्फ मेरा थोड़ा सा ध्यान रख लो, लेट मी गो फर्स्ट। हाँ भगवान जान तो सब कुछ सकते हैं लेकिन परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, isn't it? You have heard that ever? पता है जैन दर्शन क्या बोलता है? अनंत केवली मिलकर यदि मर्जी करते तो भी एक पत्ते को भी नहीं हिला सकते। That's what our केवल ज्ञानी भगवान is all about। क्या फायदा हुआ हमको ना, हम ऐसे कर्ता बुद्धि में रचे पचे डूबे हुए लोग हैं, फिर तो जानने का फायदा ही क्या हुआ? What's the benefit? वेस्ट हो गया उनका जानना तो। अरे ये वस्तु का स्वभाव है, जान वो सब लेते हैं इसलिए वो जान लेते हैं इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा है इसलिए वो ऐसा जान लेते हैं। तो पहले हम अपने फोकस को हम उनसे हटाएं और मैं चेंज करता हूं, कर सकता हूं इससे हटा। जब तुमको लास्ट बर्थडे को चेंज करने का विकल्प नहीं आया, जब अभी तक के जीवन में जो हो गया है उसे चेंज करने का विकल्प नहीं आया, तो जो होने वाला है वो भी मेरे लेफ्ट आर्म की तरह जो कि मेरा पास्ट था, ऐसे ही मेरा राइट आर्म भी एग्जैक्टली अपने एक एक पॉइंट इन टाइम पे एक सर्टेन सीक्वेंस में फिक्स है। और जैसा आपका फिक्स है वैसा मेरा फिक्स नहीं है। यू आर इन यूनिक, आई एम यूनिक। आपकी सीक्वेंसिंग अलग होगी, हर जीव की कहानी सेम नहीं होती है। हर जीव को नित्य निगोद से निकलने के बाद इतना ही टाइम लगेगा मोक्ष जाने में, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर जीव जो समय शरण में पहुंच जाएगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे लोगों में से 5 लोग हो सकते हैं जो मन में गांठ बांध रहे हो, बकवास, आई डोंट बिलीव इन टू ऑल दिस बुलशिट, ऐसा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लाइफ से सच वेस्ट, इनकी मान लो तो बैठे रहो मंदिर में, बैठे रहे हम, बोलो आरती करते रहे हम पूरे टाइम, हैं? आपकी मान ले तो कुछ नहीं करे, हाथ पे हाथ धर ले। सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग नॉट 5% यू आर मिस्टेकन, 95%। क्योंकि मैं राजा, तुम मेरी सत्ता छीन रहे हो, मैं समझता हूँ आई रूल आई डिसाइड, इजंट इट? और तुम कह रहे हो तुम्हारी कोई चलती नहीं है, तुम तो एक पत्ता नहीं हिला सकते हो। आए हाय, दिस इज एन अटेम्प्ट टू सैबोटेज माय फ्री विल, केस कर दो, जाओ कोर्ट में। दैट्स व्हाट यू फील, इज इट? एन अटेम्प्ट टू सैबोटेज माय फ्री विल। आप तो एक पत्ते ही नहीं हिला सकते हो ये कह रहे हैं, जब भगवान नहीं हिला सकते तो आप हिला दोगे? कम ऑन, You don't believe that, do you? हाँ, भगवान नहीं हिला सकते होंगे, बहुत दूर है सिद्धशिला में, he doesn't even have a body. You can do it, right? आलोक जी, you can do it. You can shake the leaf. अभी आप बाहर जाओगे, बोलोगे ये देखो मैं पत्ती को हिला रहा हूँ, see? पत्ती को हिलना होगा, तो आप जाके पत्ती को हिलाओगे। और पत्ती को नहीं हिलना होगा तो दुनिया की कोई ताकत जाके उस पत्ते को नहीं हिला सकती। That's the fact. That's the real fact of life. मुझे इस समय गुस्सा आना है, सपोज, तो कोई ना कोई कर्म का उदय भी आ जाएगा, कोई ना कोई निमित्त भी मिल जाएगा, somebody will come do something annoying और मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं आपको देखो गजब की बात बताऊं, आई एम सरप्राइज माई सेल्फ ऑल द टाइम, बट यू हैव टू गेट इन दैट मोड वंस। एक बार ये मोड में जाने की कोशिश करना लाइफ में, जहां पे यू ट्राई टू गो अगेंस्ट व्हाट एवर सीम्स ऑब्वियस एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द ब्यूटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। बताओ कैसे? जैसे कि आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, डिसाइड कर लो केवल ज्ञानी ने जाना होगा तो मैं पी लूंगा, मुझे क्या जाना है, मैं क्यों जाके पानी पीऊ, नहीं पीऊंगा, नो आई वोंट। हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना ये लोग, डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी, ठीक है मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने ऐसे कभी कभी ट्राई किया खुद के साथ, सीरियसली बता रही हूं,
I decided, no, I won't drink. 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 I drank. You will surprise yourself. आप कई चीजों को नहीं करना चाहोगे पर आपको पता नहीं चलेगा आपकी बॉडी उठेगी जाएगी और कट आएगी. होगा ऐसा. Try it. I dare you. Try it. अब प्यास थोड़ी बहुत आपको लग भी रही होगी. बोलोगे मैं कंट्रोल कर लूंगा. करो करो करो. कब तक करते हो? और बाथरूम आ रही होगी तो डिसाइड कर लो. केवल ज्ञानी ने जाना होएगा तो मैं जाऊंगा, पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं जाऊंगा. खड़े रहो, बैठे रहो. हाँ, कर सकते हो. कब तक कर सकते हो? ऑटो पायलट मोड में बॉडी बोलते बोलते सेल्फ डिनाइल में भी खड़ी हो जाएगी और चली जाएगी और सारे काम हो जाएंगे. सच्ची बता रही हूँ मैं आपको. होता है ऐसा, बहुत बार होता है. मैं ना स्वाध्याय कर रही होती हूँ समय सार का. ऑब्वियसली प्रवचन देना है तो करना पड़ेगा ना. आपके वाले प्रवचन बिना पढ़े लिखे हो जाते हैं, समय सार के नहीं होते. प्रवचन सार के नहीं होते, उसमें तो 5-6 घंटा मिनिमम लगता है दिन का. एनीवेज, तो कई बार मैं यहाँ बैठ के समय सार का स्वाध्याय कर रही हूँ और जिहानी सामने रखी है. मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको ये बात. मेरे घर में 3 बच्चे, कैन यू बीट दैट? वो भी किस एज ग्रुप के? 4 और 7 साल के. मोस्ट अनोइंग एज, इजंट इट? एंड दे नीड टू बी टोल्ड सो मेनी थिंग्स, इजंट इट? डोंट ईट जंक, ईट दिस, डोंट डू दिस. दे'ल डू एनीथिंग, राइट? They'll pick up your iPad. They can even play, you know, what, flying disc with it, for all you know. They don't care, isn't it? और मेरे वाले थोड़े बदमाश. I agree. तो समय सार का जब मैं स्वाध्याय कर रही होती हूँ तो बात चल रही होती है वस्तु स्वतंत्रता की. Do I believe in it? Of course I believe in it. उसमें बात चल रही होती है निमित्त नैमित्तिक संबंध की. उसमें बात चल रही होती है मैं कुछ नहीं करता हूँ. उसमें बात चल रही होती है जिसका जो होना है वो अपने आप हो जाएगा, अपने काल में नहीं होना है तो नहीं होगा. सो आई एम इन दैट टोटल मोड मोड मोड. एंड पीछे से आवाज आ रही है और एक बच्चे दूसरे को मार रहा है और कोई चिल्ला रहा है. आई एम लाइक, नो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. उपसर्ग तो मुनियों पर भी आते हैं, इजंट इट? अपने आप सॉर्ट कर लेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, दे विल मैनेज. फिर मेरे घड़ी पर टाइम जाता है. ओ माय गॉड, स्कूल बस का टाइम हो गया. शी स्टिल इन द बाथरूम? नो, उसे जाना होगा तो स्कूल चली जाएगी और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगी. मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मेरे जाने से कौन सा कुछ फर्क पड़ जाएगा? और सोचते 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 मैं उठती हूँ और मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ, डू यू नो व्हाट्स द टाइम? ऑटो पायलट मोड. I swear. You think I'm lying? Huh? और मैं सोचती हूँ अब next time से तो definitely not. और फिर क्या होता है? क्योंकि ऐसा ही सहज स्वरूप है. You know, inexplainable. A lot of times, is it too late? Yes. ठीक है, last 2 minutes. So, a lot of times, I don't get angry, usually. मेरे को गुस्सा आता ही नहीं normally, बहुत ज्यादा तो कभी भी नहीं आता और थोड़ा बहुत भी इतना नहीं आता है. मैं बच्चों को भी ज्यादा डांटती नहीं हूँ. And business dealings, मैं office में तो I'm always very like patient in my dealing. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 हफ्ते पहले की, और एक कोई somebody, you know, one relative, they rented some place for their hospital clinic. और उनके landlord से जाने के लिए they were thinking कि इसका introduction करेंगे कि she is a vidwan and you know she is so and everything. I don't know what happened. मैं उस जगह पे पहुंची और उन्होंने बोला कि this place is what they are giving. और rent चालू हो जाएगा 4 दिन बाद से. And the place was like totally in shambles. मतलब टाइल्स टूट रही हैं, छत टपक रही है, एवरीथिंग बैड. और पूजा में बैठे हुए थे हम वहां पे. वो करते हैं ना एक शुद्धिकरण की पूजा, लाइक ओपनिंग की. एंड मी, हाँ, आई वाज सरप्राइज्ड एट माइसेल्फ. सीरियसली, हम वहां बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया पूजन चल रही है एंड आई एम काइंड ऑफ यू नो इनटू इट. और मेरी नजर ऊपर गई, ये भी टूटा हुआ है. फिर मैंने पूजा पे, ये भी?
और फिर मैंने नीचे देखा, ओह माय गॉड, आई कुडंट कंट्रोल. मैं वहां से खड़ी हुई और वो आई हुई थी उसकी ओनर, आई डोंट नो व्हाट, एंड आई फ्लेड अप. I'm like, this is the shit that you give without even giving us a, you know, like free period to make this stuff. Ek to paise dal rahe hain ye banane ke liye. I was talking on behalf of others. Ki maine kaha nahi, aapko kam se kam dena padega free period. And I don't know. I was furiously bad, I guess. And everybody is looking at me like this, my husband, my brother, you know, the broker, the landlord, everybody is looking at me like this, what happened? And that landlord lady, she walked off. You want it, you take it as it is. You don't want it, leave it. And she walked off. Sign kar rahe the, puja chal rahi thi. That was me. And guess what? Jaise hum wapas aaye, I realized actually what happened to me, what got into me, this was wrong. This is not the way you talk to people, isn't it? If it was wrong also, there are ways. I know the ways. I've done them always, but that time I don't know what got into me. So unne bola ki do you, actually nobody dared speak with me at that point in time. Mujhe 5 din baad un logon ne shanti se pucha, do you think it was right? I said, no, I know it was definitely wrong. I realized it at the very moment. Mujhe pata hai main galat thi. So kyun kiya maine? Jab mujhe pata hai main galat thi, if I'm never like that. You will at times do. आप खुद को नहीं पहचान पाओगे. हो जाता है, ये ऑटो पायलट है. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार लाइफ को कर्ता बुद्धि से हटकर थोड़ा सा दो स्टेप पीछे लेकर आप इस जीवन को देखोगे. एक्चुअली मैं चीख चीख कर हर वस्तु आपसे कह रही है, माइंड योर ओन बिजनेस. आपकी वाइफ आपसे कह रही है, व्हेन यू ट्राई टू इंटरव्यू, माइंड योर ओन बिजनेस. आपका शरीर आपसे कह रहा है जब आप इंटरफियर करने की कोशिश करते हो, माइंड योर ओन बिजनेस. एक एक पुत्र परमाणु चीख चीख के कह रहा है, माइंड योर ओन बिजनेस. पर हम ट्रेस पासिंग करने से बाहर ही नहीं आते हैं. वी ऑलवेज वांट टू गो इनटू द अनऑथराइज्ड टेरिटरीज और हम कोशिश करते रहते हैं वहां कुछ ना कुछ करने की. दिस इज नॉट द वे अ लाइफ, अ पीसफुल लाइफ शुड बी लेड. क्योंकि बहुत समय हो गया है. आई विल स्पेयर यू गाइस टुडे. That's good, right? और हम बाकी का discussion करेंगे कल. Don't miss कल का discussion. I'll try to conclude it with a lot of very important things. 52 minutes, huh? By the way, I didn't take a lot. We began late. और उसका भी अनाउंसमेंट कर दो, परमागम ऑनर्स कोर्स का फाइनल, जो लोगों को नाम देना है. सो द अदर थिंग इज आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू डेज आई थिंक कम से कम 25 से 30 लोग हैं अप्रोच अस for about honors that we just wanted to complete. So we want to announce that you will receive a sign up sheet. Most of you are interested in it. You can sign up. I think Swamiji is making an effort for a physical teacher to be in New Jersey. So we'll probably have a physical teacher and there will be weekly classes. So most of the details, course will announce, but expect the RSVP sheet to come out in the next couple of days. And as soon as you sign up, jitni jaldi aap sign up karoge utna jaldi course shuru hoga, because I think the teacher has been almost identified and then the coursework has to be assigned for all of you based on the RSVPs. We do the age groups and assign children. It's open for, we are doing Paramagam honors for the adults. Do we also look for juniors? Yes, right. So we'll also do junior Paramagam honors. So senior is are equals open. Please look to sign. So as soon as you sign up, we'll give you more information. No, this year. In the next few weeks. We will have multiple panels. Next couple of weeks. Happy New Year. Okay. Okay. So just as a reminder, right? So today, Abhishek Homo,
then right after Abhishek, Vidhan Puja will start. So Indraindrani Banayan, make sure you are here before 8:30. If you are not at the Abhishek, if you are coming here for the Abhishek, make sure you are here at 7:30. 8:30 around, we will start getting ready. We'll do the Vidhan Puja, very long Vidhan Puja. Uske baad lunch. Lunch ke right after, we'll do the Pravachan. And after that, at 5 o'clock, we will do the Pratikam. So that will last around 5 to roughly 2 hours, like 1.5 hours. Uske end mein, we will have again a Shamavani session. So Swanabhuti, we will do a short address on Shamavani. And after that, we will have a... So again, please make sure you don't miss out. It's a working day Friday, but try to be here as much as possible. Thank you.